और आज मैं हाजिर हूँ, तो मैं भूत बन चुकी हूँ। आई मीन उड़ान लग गई। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शेफाली चौधरी। आई होप आप सब अपने घर में हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आजकल यही दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो आप बहुत अमीर हैं, मीन्स वेल्दी। तो अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, मैंने कटरीना का एक लुक रिक्रिएट की थी, एक फ़ोटो, बेसिकली बहुत कैजुअल सी थी। तो उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं दीपिका की भी एक लुक क्रिएट करूँगी, और आज मैं हाजिर हूँ। यस, आज मैं दीपिका का एक बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट करूँगी, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम कटरीना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं फटाफट से अपना बेस कर लेती हूँ मेकअप, और जो मेन लुक है वो मैं आपके साथ करूँगी। तो मैं फटाफट से अपना चेहरा थोड़ा सा चमका के आती हूँ। अभी बिल्कुल बेयर फेस है, कुछ नहीं लगाया एक्सेप्ट लिप ग्लॉस। तो मैं भूत बन चुकी हूँ, आई मीन मैंने बेस कर लिया है अच्छे से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो हैव अ लुक। तो आपने देख लिया कि मैं कौन सा दीपिका का कौन सा लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो उसमें मेकअप में ऐसा आईज पे बहुत ही ब्लैक डार्क काजल लगाई हुई है और ड्यूड लिपस्टिक। चलो मैं फटाफट से वो कर लेती हूँ, यहाँ नहीं होगा मुझे दूसरा सेटअप पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बात बता देती हूँ, मेरी जो ये है ना काजल, दिख रही है आपको? अरे कैसे दिखाते हैं लोग, टूट गई, मतलब मैं बता देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद काजली, देखते हैं। मैं जो है लाइनर लगाऊंगी नीचे काजल के साथ, और उस लुक में चोकर और इयररिंग्स पहने हुए। इयररिंग्स तो मेरे पास काफ़ी वैसे से हैं, लेकिन चोकर मेरे पास नहीं है। यहाँ मैं कुछ ऐसा गले का ऐसे भारी लेके नहीं आई थी, लेकिन मैं कुछ तो जुगाड़ करूँगी, मतलब ट्राई करूँगी, कुछ हो पाया तो ट्राई हम पूरा करेंगे। पहले मैं मोटा मोटा जो है काजल लगा लेती हूँ ऊपर भी। मैंने जो है लाइनर से ये नीचे भी डार्क कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा आई शेडो भी ब्लैक किया हुआ है, क्योंकि पूरा आईज़ का लुक ब्लैक है। तो मैं ये अपना आई शेडो पैलेट है मेरा वेट एंड वाइल्ड का, इसमें से थोड़ा जो है आईज़ का भी ये ऐसे ब्लैक टाइप का कर रही हूँ, थोड़ा नीचे डार्क। करते करते मुझे एहसास हो रहा है कि काफ़ी भूतिया आई मेकअप किया हुआ है दीपिका जी ने इसमें। खैर एनीवे, तो पहले मैं इससे कर लेती हूँ अपना आई शेडो, और उसके बाद मैं लाइनर लगाऊंगी। देख रहे हो आपको, मैंने काफ़ी ऐसे ब्लैक ब्लैक सा मतलब ग्रीन ब्लैक टाइप का किया है, और अब हम लाइनर लगा लेते हैं काफ़ी चौड़ा टाइप का। देख रहे हैं इसे आगे से भी, वाओ, मतलब काफ़ी चुड़ैल लुक है ये। सॉरी बट है तो है यार, इतनी काली आंखें कौन कर लेता है कि सिर्फ काली ही काली लग रही है। लेकिन एक बात है, मतलब काफ़ी, मतलब मुझे अपने आप को ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है, बट आंखें काफ़ी बड़ी लग रही हैं यार इससे। चलिए कुछ तो एक्सपेरिमेंट से सीखने को मिलता ही है ना। काफ़ी सही लाइनर लगाने लगी हूँ यार मैं। देखो आप लोगों के साथ ही मैंने अपना फर्स्ट वीडियो शेयर किया था, और अब आप देखिए मैं कितनी सुधार मुझ में आ गया है। काफ़ी आ जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा विंग टाइप का करा। ब्लेंडर के बिना मेरा वीडियो पूरा नहीं होता, मैं ज़बरदस्ती कर ही जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी चल रहा है। इधर से चौड़ा कर रही हूँ, ये बात सच है कि इधर से चौड़ा होगा, थोड़ा सा इधर से भी चौड़ा कर देते। आंखें तो तैयार हो चुकी हैं, मस्कारा लगाएंगे बाद में। काफ़ी अच्छी आंखें हमने तैयार कर ली हैं। अब जो है मैं हल्का सा ब्लश वगैरह लगा लेती हूँ। अभी ऐसा जो इस फोटो में दिख तो रहा नहीं है, बट लगाया ही होगा ना, प्रेजेंटेबल तो बन जाते हैं ना हम भी। हाइलाइटर भी आज हम लगा लेते हैं। हाइलाइटर के लिए कौन सा फेस बनाते हैं पता नहीं भैया, हम तो हर जगह पाउटी बना लेते हैं। काफ़ी ड्राई स्किन हो रही है मेरी, मुझे पता चल रहा है। और हाइलाइटर का वैसे दिन में क्या ही काम है बेटा, तो मेहनत फालतू में कर रही हो। एनीवे मेहनत तो करनी चाहिए ना।
मैं वैसे इतनी भूत लग रही हूँ, तुम और ये वो कर दो। अभी हम करते हैं आईब्रोज की फिलिंग। इतनी नीट नहीं है लेकिन दीपिका ने बहुत डिफाइन आईब्रोज की हुई हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आज। एज यू कैन सी मैंने बहुत डार्क करी हैं, मैं काफ़ी अजीब लग रही हूँ इस टाइम, लेकिन क्या करूँ, अब दीपिका ने ऐसी की हुई है ना बहुत, उसकी तो लिटरली पूरी आईब्रोज ब्लैक हो रही है, मैं इतनी कार्टून भी नहीं बन सकती हूँ। बट मे बी प्रॉपर रेडी हो जाए तो अच्छे लगे। तो फटाफट से लिपस्टिक लगा लेते हैं, हमारा ब्राउन लाइनर है और ये न्यूड शेड है, ये है मेबेलिन की 660 टच ऑफ स्पाइस, जो मेरी बेस्टी आंखों ने फिर कुछ जबरदस्ती दे दी थी। कितनी बार बताती हूँ आपको ये बात, आई लव यू बेबी। ब्लश कुछ ज़्यादा ही ब्लश ही हो गया है, नोबडीज। और ये थोड़ा सा पिंकिश टोन दे रही है, तो इसको थोड़ा सा ब्राउनिश देने के लिए आगे गिफ्टेड बाय आकू, उसको मैं थोड़ा सा टोन इसका ऐसा कर लेती हूँ। आई थिंक इट्स बेटर। सो यस, फेस का जितना मेकअप है वो डन है। कोई अब हम फटाफट से क्या करते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज। और मैं आज जो है इधर ना देख के खुद को देख रही हूँ, बिकॉज मैं इतनी अलग लग रही हूँ एंड आई लाइक इट। तो अब फटाफट से हम जो है चेंज करते हैं। इस लुक के लिए मैंने एक पिंक साड़ी ली है और इसके साथ में ये स्ट्रैप वाला टॉप और ये प्यारे से इयररिंग्स। दिस इज माई आउटफिट, और मैंने काफ़ी ट्राई करने की कोशिश की है, पिंक साड़ी और ये टैंक टॉप है रेड। तो अब हम इट्स कोल्ड सो आई हैव टू कवर माई सेल्फ। मेरे पास बिल्कुल ऐसा मैचिंग चोकर पता है लखनऊ रखा हुआ है, लेकिन मैं एक और आई थिंक उसने तो पहनी नहीं हुई है दीपिका ने, बट आई रियली वॉन्ट टू वेयर दिस। अरे हो जा फोकस, मैं ये रिंग भी अपनी पहनना चाहती हूँ। ओके अब तो मैं हेयर स्टाइलिंग करती हूँ। तो बन भी बन गया है, लिटरली मैंने बहुत मशक्कत से ही बनाया है। एंड यस, मैं जो है चोकर का कुछ जुगाड़, तो जुगाड़ So are you ready? This is the whole look. My God, मैंने एक लैम्प जलाया हुआ था। तो क्या कहते हैं आप, एक झलक में क्या मैं थोड़ी सी भी दीपिका लग रही हूँ? और एक चीज, वेट, दीपिका ने तो वो नहीं की हुई है, बट आई वॉन्ट Love to. और ये काफी बुरा लग रहा है बट खाली गले से अच्छा लग रहा है। मेरे पास तो चूड़ियां हैं इसकी मैचिंग साड़ी की, और ये साड़ी मैंने आज तक कहीं नहीं पहनी है। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट साड़ी, बहुत प्यारी सिल्क की साड़ी है, ऐसे देखो क्यूटी क्यूटी सी। और इसका ब्लाउज जो है वो बहुत प्यारा है, वो इस कंट्रास्ट में है। तो अब जो है मैं फटाफट से वो फोटो करती हूँ क्रिएट, और फिर आप आई थिंक बहुत ही मुश्किल था क्योंकि साड़ी पहनी हुई और खुद ही टाइमर लगा के फोटो को क्लिक करना, तो बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी मुझे। और पता नहीं मैं कितना मैच, मतलब थोड़ा सा कुछ क्रिएट कर भी पाई या नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। इतने टाइम बाद मैंने ये साड़ी पहनी, और यू नो शादी के बाद मतलब अपने कपड़े ही नहीं पहने जा रहे कहीं, और ये मैं यहाँ लेकर आई थी जस्ट इन केस, जैसे आज मन कर गया ना ऐसे ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खुश रहो, सबको खुश रखो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, पॉजिटिव रहो। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय। तो मैं आपको अपना जो है ओपन हेयर वाला लुक भी मैंने सोचा दिखा देती हूँ,
कि दिस इज़ माई ऑल टाइम, मतलब हमेशा का मेरा यही लुक होता है जब भी मैं मतलब साड़ी पहनती हूँ तो.